Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is NSO Olympiad, Chapter 7, Part 1st. So guys, this is question number 1st. The diagram shows an object O viewed using two mirrors. A person look into the mirror as shown. At which position is the image of O seen? देखिए, so guys देखिए, object O जो है, यहाँ से rays निकली, mirror पर गई. Reflect हुई, C पर आई. ये जो यहाँ से यहाँ तक हम इसको और ये दोबारा से रिफ्लेक्ट हुई तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी. ठीक है, अब देखिए ये जो इसकी जो इमेज होगी वो बनेगी यहाँ पे पीछे, क्योंकि ये एक्सटेंड हो जाएगी डी पे. तो जो इमेज फॉर्म होगी वो डी पे होगी. देखिए कैसे. सो गाइज, ये एक ऑब्जेक्ट है ओ, ये है मिरर. यहाँ से ऑब्जेक्ट से दो रेज निकलेंगी, ये होंगी इंसिडेंट रे और ये जब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो ये होंगी रिफ्लेक्टेड रेज. हमारी आईज इन रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करेगा उतनी ही डिस्टेंस पे जितनी की वो ऑब्जेक्ट मिरर से दूर था. अब ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर था ये रेज, हमारी आईज जो है इन रिफ्लेक्टेड रेज को उतनी ही दूरी तक एक्सटेंड करेंगे. तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी आपकी यहाँ पे. ठीक है, सो इसमें भी यही था. तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी. तो जो इमेज फॉर्म होगी वो डी पे बनेगी. अभिषेक लुक्ड एट ए लाइटेड टॉर्च. अभिषेक जो है एक टॉर्च से एक ऑब्जेक्ट को देखता है. ही कुड सी अ फेंट ग्लो. तो जो उसे जो है एक धुंधला धुंधला सा ग्लो नजर आता है, बट नॉट द टॉर्च. टॉर्च नजर नहीं आती. द ऑब्जेक्ट इज, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ओपेक होगा या ट्रांसल्यूसेंट होगा. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांसल्यूसेंट होगा. ट्रांसल्यूसेंट, अब आप देख लीजिए, ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट पास हो जाए तो उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट पास ना हो तो उसको ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं. जब स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट पास हो तो उसको हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं कि जब हमें कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट. ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन व्हाई एयर इज नॉट विजिबल. इट इज नियरली अ परफेक्ट ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. इट नीदर एब्जॉर्ब नॉर रिफ्लेक्ट लाइट. इट ट्रांसमिट वॉल ऑफ लाइट या ऑल ऑफ दिस. सो गाइस, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी. इट नीदर एब्जॉर्ब नॉर रिफ्लेक्ट लाइट. देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल तब होता है जब वो लाइट को या तो एब्जॉर्ब कर ले या रिफ्लेक्ट कर ले. और एयर जो होती है हमारी, ना तो वो रिफ्लेक्ट करती और ना ही वो एब्जॉर्ब करती. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी. सो गाइस, दिस क्वेश्चन नंबर 4. अ गर्ल इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर. एक लड़की है जो मिरर से 4 मीटर दूर खड़ी है. इफ शी मूव्स फ्यू स्टेप क्लोजर टू द मिरर, अगर वो थोड़ा सा और नजदीक जाती है मिरर के, देन व्हाट विल हैपन टू द इमेज साइज इन द मिरर. मान लीजिए जो लड़की है वो 5 फुट की है. ओके, इसकी हाइट है 5 फुट और ये जो है 4 मीटर डिस्टेंस से खड़ी है मिरर से. सो इसकी जो इमेज होगी वो भी 4 मीटर दूर की बनेगी. ओके, ये कोई लड़की है 5 फुट की. ओके, और ये 4 मीटर दूर खड़ी है तो जो इमेज बनेगी मिरर से वो भी कितनी बनेगी, 4 मीटर दूरी बनेगी. अब वो जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर कर दिया आपने, लेकिन जो हाइट है, लेकिन जो लड़की की हाइट है वो तो सेम ही रहेगी. तो बस यही पूछा था, द इमेज साइज इन द मिरर. ठीक है, इमेज साइज पूछा था तो सेम रहेगा, द साइज ऑफ द इमेज विल बी द सेम. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट ए पेंसिल ऑफ लाइट टू फॉर्म ए रियल इमेज, देन द पेंसिल ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर इज. सबसे पहले पता होना चाहिए पेंसिल ऑफ लाइट क्या होता है. पेंसिल ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, इसका ये मतलब होता है. ठीक है, आप इसको वो वाली पेंसिल मत समझिएगा, तो बीम ऑफ लाइट बोल सकते हैं इसको, लेकिन इन दोनों में भी डिफरेंस होता है. बीम ऑफ लाइट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं. बीम ऑफ लाइट होता है आपका जब दो रेज पैरेलल होती है ना, तो इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट. ठीक है, ये पैरेलल ट्रेवल करती है. पेंसिल ऑफ लाइट क्या होता है, पेंसिल ऑफ लाइट होती है आपकी, वो पैरेलल भी ट्रेवल कर सकती है, कन्वर्जेंट भी ट्रेवल कर सकती है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट. और वो जो है आपकी डाइवर्जेंट भी ट्रेवल कर सकती है. ठीक है, सो देखिए, अब ये कह रहा है अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट ए पेंसिल ऑफ लाइट टू फॉर्म ए रियल इमेज.
ये कह रहा है कि पेंसिल ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुई प्लेन मिरर से और उसने रियल इमेज बनाई। उसने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है? रियल इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, और वर्चुअल इमेज होती है जो मिरर में होती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज होती है जो मिरर में होती है, यानी जिसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है। जो हम शीशे के अंदर या फिर मिरर के अंदर जो मीट होती है रेज, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ने मिरर लिया और ये हमने, मैंने बोला था कि जो पेंसिल ऑफ लाइट होती है आपकी, वो तीन टाइप की होती है। ठीक है, पैरेलल, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। पैरेलल ले लेते हैं। पैरेलल में क्या होगा, जो जब आप बीम ऑफ लाइट डालते हो ना इसे, तो क्या होता है कि वो वापस ही इसी एक्सिस से वापस आ जाती है। ठीक है, वो मीट नहीं हो पाती, वो मीट ही नहीं करेंगी तो कोई भी रियल इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, अब सेकेंड केस ले लेते हैं कन्वर्जेंट का। कन्वर्जेंट का केस ले लेते हैं, ये मान लिया आपका मिरर है, मान लीजिए दो रेज हैं इस तरह से, कन्वर्जेंट ये वाली, और ये क्या होगी, ये अंदर की तरफ ऐसे, ये अंदर की तरफ मीट करेंगी एक ही पॉइंट पर, और यहाँ पे जो आपकी ये एक पॉइंट पर मीट करती हैं और उस पॉइंट पर आपकी रियल इमेज बनती है। ठीक है, सो जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी और क्या बनेगी, रियल बनेगी। एक और बात कर लेते हैं डाइवर्जेंट की। डाइवर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट जैसे कि आपने ये यहाँ पे मिरर ले लिया और दो रेज आई, इनमें क्या होता है, जो रेज होती है वो रिफ्लेक्ट होके बाहर की तरफ जाती है, इमेज नहीं बनेगी। सो जो हमारी रियल इमेज है वो कन्वर्जेंट के केस में बनती है। सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी द सेटअप बिलो। देखिए ये यहाँ पे एक टॉर्च है, और जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, ये एक टॉर्च है, ये बुक है, ये रिंग है और ये स्क्रीन है। ठीक है, तो हाउ विल द शेडो लुक लाइक, आपको बताना है कि शेडो जो है कैसी गिरेगी, क्या ये वाली, ये वाली, ये वाली, या फिर ये वाली। तो जो शेडो होगी वो हमें ये मिलेगी ऑप्शन सी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, देर इज नो डार्क शेडो फॉर्मड बाय द ग्लास। ये एक टॉर्च है, इस टॉर्च से लाइट निकल रही है और आपने एक गिलास यहाँ पे रख दिया, आपने क्या किया, इस लाइट को इस ग्लास पे डाला, तो क्या होता है कि जो लाइट है वो इस ग्लास में से गुजर जाती है। ठीक है, पास थ्रू हो जाती है, तो इसका रीजन क्या है। इट इज नॉट नाइट टाइम येट, द लाइट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, द ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन ग्लास एंड स्क्रीन इज वेरी लार्ज। अगर डिस्टेंस जो होगी ग्लास और स्क्रीन के बीच में वो लार्ज होगी, तो जो आपकी शेडो होगी वो क्या बनेगी, स्मॉल बनेगी। अगर लाइट इस ग्लास में से पास हो रही, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ग्लास है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, द ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है कौन सी होगी। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा आपने देखा होगा, 6th में ये एक एक्टिविटी है, आप उसको देख सकते हो। इमेज जो फॉर्म करेगा पिन होल कैमरा वो इन्वर्टेड होगी, बिल्कुल सही है, बिकॉज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाइट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑन रिफ्लेक्शन। सो ये गलत है। एज वी मूव द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स, द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम स्मॉलर, बिल्कुल करेक्ट है। रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस, यानी कि ये गलत है, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो होता है आपका, जरूरी नहीं कि पॉलिश्ड सरफेस से ही हो, रफ सरफेस से भी हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल है मून। मून जो है बिल्कुल रफ है, लेकिन फिर भी वो क्या है, रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। ओके, सो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो इसके आंसर होंगे वो ये दोनों ही है, लेकिन बुक में जो इसका आंसर दिया गया वो है ये। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये दोनों ही है। ठीक है, क्वेश्चन 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। ऑल्दो ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज, जैसे काइट है, बर्ड है, एरोप्लेन है, वो स्पेस में मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो उनकी शेडो है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही, क्यों। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट, क्या रीजन है, द डैश द रिजाइन ऑफ कंप्लीटली इज नॉट एबल टू रीच द अर्थ। सो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा ये ऑप्शन सी, ये आएगा यहाँ पे अम्ब्रा। ये मैं आपको बताऊंगी कि अम्ब्रा क्या होता है और पेनम्ब्रा क्या होता है। अम्ब्रा जो होता है यहाँ पे आएगा, इसका जो रीजन है वो है द अम्बर द रिजाइन ऑफ कंप्लीट डार्कनेस। ये जो अम्बर होता है वो होता है कंप्लीट डार्कनेस का एरिया। ठीक है, सो सेकेंड ऑप्शन आएगा इसका डार्कनेस, जो रीजन है वो बिल्कुल डार्क है, तो ऑब्वियस सी बात है वो
अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। द रीजन ऑफ पार्शियल पार्शियल ब्राइटनेस होगी, पार्शियल ब्राइटनेस जो होती है वो होती है आपकी पेनम्ब्रा में, ठीक है। सो रीचिंग द अर्थ इज टू लार्ज, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, एंड टू फेंट यानी कि धुंधला सा होगा, टू बी विजिबल टू अस, हमें धुंधला दिखाई देगा। अब मैं आपको बताती हूँ पेनम्ब्रा और अम्ब्रा में क्या डिफरेंस होता है। देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये डार्क, ये होता है आपका अम्ब्रा, यानी कि कंप्लीट, ये जो कंप्लीट डार्कनेस जो आप देख रहे हैं ये है अम्ब्रा, और पेनम्ब्रा है ये वाला पार्ट जो फेंट है आपका, मतलब थोड़ा सा धुंधला टाइप सा है, तो इसको बोलते हैं पेनम्ब्रा। सो जो अम्ब्रा होता है वो होता है कंप्लीट डार्कनेस, और पेनम्ब्रा होता है पार्शियली ब्राइटनेस। सो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द आइटम बिलो विल अलाउ यू टू सी अराउंड अ कॉर्नर फ्रॉम वेयर यू आर स्टैंडिंग। सो आपका आंसर जो होगा वो होगा